संख्या 40 स्वायत्त शासन के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं निवेदन करना चाहूँगा, मेरे क्षेत्र के अंदर छोटी छोटी बातें हैं। कपासन नगर पालिका, कपासन विधानसभा में दो नगर पालिका हैं, एक तो पुराने समय से चली आ रही है। वहाँ पर बरसों से पद होने के बाद भी पद स्थापन नहीं है। ईओ उधार का, जेएन उधार का, एलडीसी यूडीसी सब उधार के चल रहे हैं। ये उधार की नगर पालिका होने के कारण वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। और पिछली सरकार ने साल डेढ़ साल पहले एक मेरे यहाँ अकोला के अंदर नगर पालिका अकोला बना दी, ग्राम पंचायत को हटा करके। जिस दिन से ग्राम पंचायत हटी उस दिन से निर्माण काम बंद हुए, जो आज तक चालू नहीं है। मेरा आग्रह है वहाँ पर ईओ का पद खाली, जेएन का, आईएन का, यूडीसी, एलडीसी सभी कर्मचारी नगर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सारे के सारे खाली पड़े हैं और विकास का काम ठप हो गया। यहाँ तक कि सफाई व्यवस्था, रोशनी व्यवस्था सारी ठप पड़ी हुई है। यहाँ तक कि एक अभिशाप और हो गया, पहले एग्रीकल्चर में ग्राम पंचायत थी तो एग्रीकल्चर के कनेक्शन के लिए 15,000 रुपये का डिमांड आता था, अब 1,25,000 का डिमांड आने लग गया। पूरी की पूरी नगर पालिका के अंदर काशकार रहते हैं और उनके गले की एक घंटी बन गई है। मैं निवेदन करना चाहूँगा इसको, आप कुछ न कुछ ऐसा करो कि ऐसा उपाय करो कि बिजली के जो डिमांड है एग्रीकल्चर के, वो नगर पालिका होने से पहले यदि डिमांड जमा तो उनकी पुराने एग्रीकल्चर के ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार ही उसकी डिमांड जारी करने का काम करें। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा अतिक्रमण की, नगर पालिकाओं में अतिक्रमण हो रहा है तो अतिक्रमण तो बिना प्रशासन की जानकारी के अतिक्रमण हो ही नहीं सकता, और यदि अतिक्रमण की कोई शिकायत भी कर दे तो नगर पालिका के कर्मचारी शिकायतकर्ता के पीछे पड़ जाते हैं और उसी को गलत ठहरा देते हैं। और हालात यह हो जाता है कि शिकायतकर्ता के कोई भी काम यदि नगर पालिका में हो तो उसको अटकाने का, भटकाने का, लटकाने का काम करके उस व्यक्ति को डिमोडलाइज करने का काम करते हैं। इस DLB का नाम बार बार कई लोगों ने कहा, DLB लेओ, देओ और भागो। मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा, इस अभिशाप भरे इस नाम को बदलने का काम करेंगे तो ठीक रहेगा। और ये स्थिति निदेशालय के अंदर, यहाँ के निदेशालय की बात करूँ, नगर पालिकाओं में तो होता ही ऐसा, यहाँ निदेशालय की स्थिति यह है कि निदेशालय में भी किसी व्यक्ति ने शिकायत कर दी तो उस शिकायतकर्ता के पीछे लग जाएंगे लोग। और सतर्कता विभाग, दो तीन मिनट और लूँगा, सतर्कता विभाग की हालत तो यह है कि वहाँ पर भी लेव देव का काम चलता है। मैं निवेदन करना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय, आपके संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ कि अवैध निर्माण की शिकायत एक व्यक्ति द्वारा नगर पालिका में की गई, नगर पालिका ने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, फिर DDR के कार्यालय में शिकायत की गई, फिर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब निदेशालय स्तर पर शिकायत की गई तभी सभी प्रकार के सबूत दिए गए, तब जाकर निदेशालय में सीजर के आदेश दिए गए। मैं सदन की मेज पर रखना चाहूँगा कि आदेश क्रमांक 1772 दिनांक 25/5/22 और आदेश क्रमांक 1985 दिनांक 17/8/23 को ये शिकायत की है। इसलिए इन आदेशों की पालना में नगर पालिका द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि अवैध निर्माण को वैध ठहराने का काम किया गया। निदेशालय ने आदेशों की पालना नहीं होने के संबंध में कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई और उनको भी बचाने का काम किया गया। यहाँ तक कि मैं एक और संज्ञान में लाना चाहूँगा, एक दो मिनट में मैं निवेदन करना चाहूँगा, मेरे साथ रहने वाले व्यक्ति को भेजा निदेशालय में DLB में कि वो हमने शिकायत की उसका क्या हुआ, और वो तारीख है 15 फरवरी 2024, और वहाँ पर भेजने पर शिकायतकर्ता पर ध्यान रखा गया और उसकी फ़ोटो कैमरे में देखी गई। और यहाँ के DLB के डायरेक्टर ने स्वयं को उसने बुलाया कि भाई तुम यहाँ क्यों आए, उसको चैम्बर में बुला कर डांटा फटकारा और भाई तुम शिकायतकर्ता हो तो आने की ज़रूरत क्या है। और मुझे तो ऐसा लगा उसे धमकी दे करके उसको कहा भी तो आज के बाद इस कार्यालय में नहीं आओगे। मंत्री मोदी से पूछना चाहता हूँ, ये डायरेक्टर को ये कार्यालय में आपने सेवा के लिए बिठाया है या उसको लीज पर दे दिया, जो उसकी मर्जी है तो जो करेगा, जिसको आए बुलाएगा, जिसको नहीं बुलाना उसको नहीं बुलाएगा, ऐसा मौखिक आदेश देकर उसे प्रतिबंध लगाने का काम ऐसे किया है। मैं निवेदन करना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय के माध्यम से, मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि क्या सरकार ने निदेशक DLB को निदेशालय लीज पर तो नहीं दे रखा है, जो अवैध निर्माण कार्य। एक सेकंड और मैं मंत्री जी से इतना ही निवेदन करूँगा, मुझे आश्वासन देवे कि जो मैंने ये आदेश क्रमांक 1772 दिनांक 25/5/22 तथा पत्र क्रमांक 1985
17-8-23 के संबंध में संपूर्ण जानकारी मुझे दें, मैं सदन के पटल पर यह करूँगा। और एक निवेदन और कहूँगा, लक्ष्मणगढ़ के अंदर पिछले 3-4 साल पहले अनुसूचित जाति की जमीन पर 2 बीघा जमीन पर जो शहर के मध्य में है उसके ऊपर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। अनुसूचित जाति की जमीन भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। मैंने DLB के अधिकारियों से संपर्क किया, यहाँ तक कि धारीवाल जी मंत्री महोदय को कहा और उन्होंने भी उस पर संज्ञान नहीं लिया और वहाँ पर उस बेचारे की अवैध जमीन पर निर्माण करा करके उसको कब्जे करने का काम किया। मेरा निवेदन है, मैं ये टेबल करना चाहता हूँ, परमिशन दे। श्रीमती अनीता जाटव। माननीय सभापति महोदय, मैं ये आदेश की कॉपी टेबल कर दूँ? नमस्कार, धन्यवाद।